में खड़े ट्रक में घुसी अनियंत्रित बस, बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर खड़े ट्रक में अनियंत्रित बस घुस गई। बताया जा रहा है कि खबर पीलीभीत से आपको बता रहे, रोडवेज बस ड्राइवर की आंख लगने से हादसा हुआ है। बड़ी खबर पीलीभीत से है, हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं। दिल्ली से नेपाल से कैलाली जा रही थी बस, अनियंत्रित होकर बस ट्रक में जा घुसी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। खड़े ट्रक में घुसी अनियंत्रित बस, खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां बिना परमिट के धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं प्रतिबंधित पेड़। बाग में आम के पेड़ों को काटकर लगाया जा रहा है ठिकाने पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रतिबंधित पेड़ को काटे जा रहे हैं। सड़कों पर बेखौफ होकर दौड़ रहे प्रतिबंधित लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली। खबर पीलीभीत से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रतिबंधित पेड़ों को काटा जा रहा है। माधोटांडा थाना क्षेत्र के करलिया खल्लपुर का ये पूरा मामला है। बिना परमिट के धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं प्रतिबंधित पेड़, खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं। बाग में आम के पेड़ों को काट कर लगाया जा रहा है उनको ठिकाने पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्राली से भरी लकड़ी को लेके जाया जा रहा है। लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिबंधित पेड़ों को काटा जा रहा है पीलीभीत में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, प्रतिबंधित पेड़ों को लगातार पीलीभीत में काटा जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कार्यवाही की गई अभी तक? जी जी, आपको बताते चले कि पीलीभीत में आज कल ऐसे पेड़ कट रहे हैं जैसे कि आम हो गया और जामुन हो गया, कई प्रकार की प्रजाति ऐसी है पेड़ों की जिसे प्रतिबंधित लगाया रखा है, लेकिन वो पेड़ ठेकेदारों के द्वारा बगैर किसी परमिशन से काटे जा रहे हैं। लेकिन इस पर सरकार के द्वारा और आला अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन हरियाली पर नुकसान करते नजर आते हैं ठेकेदार लोग, और अच्छी तरह से जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं उन पर अपना जो है हाथ जमाए बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और ठेकेदारों के हौसले बुलंद रहते हैं, आए दिन आम के पेड़ व जामुन के पेड़ काटते रहते हैं, जो अधिकतर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं वो पेड़ बराबर काटे जा रहे हैं पीलीभीत में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।